हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। तो आज हम बनाने वाले हैं तवा सोया चाप, वो भी बिना स्क्यूअर्स के। यस, तो उसके लिए सबसे पहले आपको मैंने ये फ्रोजन सोया चाप लिया है। आप कोई सा भी ले सकते हैं, टिन वाला ले सकते हैं और आप खुद भी बना सकते हैं। तो खुद बनाने से बेटर है आप मार्केट से फ्रोजन ले लें तो जल्दी बन जाएगा। तो उसके लिए सबसे पहले मैरिनेशन के लिए मैंने क्या ली है, मैंने दही ली है। दही को आपको हंग कर्ड बनाना है एक तरीके से। उसमें आपको क्या करना है, आप मेरा ये अराउंड 500 ग्राम का था सोया चाप, तो मैंने तकरीबन 250 ग्राम समथिंग दही ली है। आपको ये मदर डेयरी का ये पैकेट आराम से मिल जाता है, आप इससे या कोई भी दही, आप घर की दही भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसके बाद आपको इससे थोड़ा सा हल्का सा पानी निकालना है और इसे अराउंड हाफ आवर से थोड़ा सा ज़्यादा के लिए आपको ढक के रख देना है। ज़्यादा मत प्रेस कीजिएगा, बिल्कुल जेंटली प्रेस कीजिए, हल्का सा प्रेस करके उसके बाद आप इसे बिल्कुल एज इट रख दीजिए। तो इससे क्या होगा कि जो हमारी कर्ड है जो बहुत अच्छे से हो जाएगी और उसमें ना बहुत एक अच्छा सा सॉफ्ट सा मॉइस्चर, अगर हम बात करें बहुत अच्छा सा जब उसको बाइंड करेंगे एक तरीके से तो काफ़ी अच्छा मैरिनेट होगा। उसके बाद आपको क्या करना है, तो चलिए हम फटाफट से सोया चाप निकाल लेते हैं। इसमें आपको अराउंड 5 to 6 या 4 to 5 स्टिक्स मिलती हैं और उनको आप अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। एंड आई थिंक ये काफ़ी है, ठीक है, मतलब 2-3 लोगों के लिए तो ठीक है यार भाई। उसके बाद इसे अच्छे से धो लीजिए और इसे बॉईल कर दीजिए। ज़्यादा नहीं करना बॉईल, थोड़ा सा करिएगा, अराउंड आप 1-2 मिनट से ज़्यादा मत करिएगा। उसके बाद हमने इनको निकाल लिया, काफ़ी गर्म हो रही थी तो मैंने फॉइल पेपर यूज़ कर लिया। तो उससे क्या होता है ना, जब आप बॉईल कर रहे हो तो ये ईजिली जो स्टिक्स इसमें अटैच होती है ईजिली निकल जाती है, आपको कोई इशू नहीं होता है, शे वगैरह भी निकलते खुल के। अब हमने नेक्स्ट स्टेप जो हमारा था, हमने तेल गरम कर लिया है। इसमें ध्यान रखिएगा आपको गोल्डन ब्राउन होने तक ये अच्छे से फ्राई करने हैं एक तरीके से, और जब इस गोल्डन ब्राउन हो जाए तो आप निकाल सकते हैं। जैसे आपको इनका टेक्सचर दिख भी रहा होगा, इस तरीके से आप इसको ईजिली निकाल सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप है हमारा बाइंडिंग के लिए, यानी कुछ तैयार करने वाले हैं। तो मैंने इसमें अराउंड बटर लिया है, आप 1 टेबल स्पून बटर आराम से, और उसमें 2 चम्मच आप बेसन डाल दीजिए। आपको अच्छे से भुनना है, यानी कि आप इसे बिल्कुल ज़्यादा जलाइएगा मत, ये आपके बहुत अच्छे काम करने वाला है बाइंडिंग में। तो अब इसमें थोड़ा सा कलर देने के लिए 1 चम्मच रेड मिर्च, यानी कि लाल मिर्च कश्मीरी वाली, वो डाल दी है। अब थोड़ी सब्जियों की बात कर ले तो मैंने शिमला मिर्च, टमाटर और आपका एक प्याज लिया है। इनके अंदर का आप निकाल दीजिए और इन्हें अच्छे से फाइनली चॉप्ड कर दीजिए, ताकि जब आप इन्हें स्क्यूज में यूज़ करें आप वैसे तो ईजिली चले जाए। अब ये जो हमारे बिल्कुल हमने फ्राई कर लिए थे वो हमने साइड रख ली हैं। अब बात है मैरिनेशन के पूरे मसाले बनाने की। तो ये वो हंग कर्ड थी मैंने लिया। अब इसमें आप 1 चम्मच या 1/2 स्पून अपने टेस्ट के हिसाब से रेड चिल्ली पाउडर, यानी कि लाल कश्मीरी मिर्च, आप जो भी यूज़ करते हैं वो डाल सकते हैं। मैंने कश्मीरी चिली डाला है, आप वो कोई सा भी डाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा, ठीक है, ज़्यादा तेज़ मत करिएगा, आपको जैसा ठीक लगता है वैसा डालिएगा। तो मैंने अराउंड 1 स्पून से थोड़ा ज़्यादा ही लिया होगा अप्रॉक्स। उसके बाद आपको इसमें डालना है, हमने चाट मसाला लिया। चाट मसाला आप 1 चम्मच डाल सकते हैं बिना कोई दिक्कत के, आराम से डालिए 1 चम्मच चाट मसाला, 1 चम्मच भुना जीरा पाउडर, और ये तो सबसे इम्पॉर्टेंट अगर मैं बात करूँ, 1 चम्मच कसूरी मेथी आप ये ज़रूर डालिएगा, काला नमक 1 चम्मच या आप थोड़ा सा कम भी ले सकते हैं जैसा आपको ठीक लगे। हमने डाला है इसमें थोड़ा सा गरम मसाला, नमक आप अपने स्वाद अनुसार लीजिएगा, जैसे आप नमक यूज़ करते हैं जो नॉर्मल सॉल्ट होता है। ये हमने डाला है इसमें थोड़ा अमचूर पाउडर। इन सब की मोस्टली क्वान्टिटी 1 टेबल स्पून या उससे थोड़ा सा कम है, मतलब आप एकदम फुल भी मत लीजिएगा, थोड़ा कम लीजिएगा। और ये गया है इसमें कोरिएंडर, यानी कि धनिया पाउडर। ये थोड़ा सा बटर लीजिए, आप इसमें मेल्टेड बटर भी डाल दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, जब आप इसे मैरिनेट करेंगे अभी अच्छे से घुमाने वाले हैं तो ये ऑलरेडी मेल्ट हो जाता है। अगर आप हाथ से मिला रहे हैं तो मेक श्योर कर लीजिए कि आपने हाथ अच्छे से धो लिए हो, वरना आप स्पून से मिला सकते हैं, बट हाथ से ना काफ़ी अच्छा हो जाता है, तो मैं हाथ ही प्रेफर करती हूँ अच्छे से इसको, इस तरीके के जब भी मैरिनेशन के लिए कुछ यूज़ करना होता है इससे अच्छे से बिल्कुल हो जाता है। अब जो हमने बाइंडिंग का डाला था वो भी आप इसमें इसी समय डाल दीजिएगा। और हाँ, मैं एक चीज़ बताना भूल गई थी, आप इसमें थोड़ी सी हल्दी ज़रूर डालिएगा, थोड़ा सा लाल मिर्च भी डाल सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से, नमक अगर आपको लगे कम है आप इसे टेस्ट करके देख लीजिए। अब बारी है इनको मिलाने की, तो इनको अच्छे से मिला लीजिए, जो हमने बिल्कुल हमारी चाप तैयार होने वाली है मस्त वाली। और ये हमने जो सब्जी ली थी ना, इसको आप हल्का सा सौते कर दीजिए, बिल्कुल हल्का सा, बिकॉज़ ये डायरेक्टली आपके तवे पर बनने वाली है तो सही रहेगा, आपको उतनी कच्चापन नहीं आएगा। अब इनको अच्छे से आपस में मिला लीजिए और अराउंड इसे आधे घंटे से थोड़ा ज़्यादा के लिए आप रख दीजिएगा। और अब हमें इसमें स्मोकी इफेक्ट लाना है, तो आप ये फॉइल पेपर लीजिए, इसमें 2 से 3 पीस आप कोयले के डालिए, और कोयले में आप घी या बटर भी डाल सकते हैं। अब बारी है इनको तैयार करने की। मैं आपको बिना स्क्यूअर्स के
आपको बहुत इजी तरीके से बताने वाली हूँ। तो ये हमने बटर वटर लगा दिया है बिल्कुल अच्छे से, ये गए हमारे सोया चाप खटाखट। आप इसमें टूथपिक यूज़ कर सकते हैं बहुत इजीली, अगर घर पे आराम से जाती है। टूथपिक नहीं है तो आप एक काम करिए, जब आप ये सोया चाप बनाते हैं ना तो देखिए इसमें कुछ स्टिक्स आती हैं, अब वो कैसी स्टिक्स अभी मैं आपको दिखाती हूँ। और इन्हें बीच बीच में आराम से जल्दी से आप पलटते भी रहेंगे, वरना ये एक तरफ पूरे जल जाएंगे। और आप ना बटर को इनके ऊपर आराम से लगा भी सकते हैं ताकि ये अच्छे से और इनमें बटरी टेस्ट आए। यस, इन स्टिक्स की मैं बात कर रही थी जो आपके सोया चाप में ऑलरेडी आते हैं, इन्हें फेंकिए मत। अगर आपके पास स्क्यूअर्स नहीं तो आप इस तरीके से नहीं यूज़ कर सकते हैं। आप ऊपर से भी ऐसे बटर लगा सकते हैं। भाई मेरे तो अभी से मुंह में पानी आ रहा है। ये थे हमारे बहुत इजी तरीके से बनने वाली सोया चाप तंदूरी काइंड ऑफ में। तो आप तवे पे इस तरीके से बहुत इजीली बना सकते हैं। आप इसके साथ हरी चटनी और थोड़े से अनियन रिंग्स और फिर खाइए, टेस्ट बिल्कुल लाजवाब आता है। तो बहुत ही इजीली बन जाती है तवे पे बिना स्क्यूअर्स की मदद से भी। तो ये थी आज की रेसिपी, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी ही मैं ऐसी और मज़ेदार चटपटी सी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। कितना टेस्टी हो रहा है, मतलब मज़ा आ गया है इसे खा के आज तो।